यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस वक्त की बड़ी खबर का, हरियाणा से अब हिमाचल को पानी मिलेगा तो पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये जानकारी दी है। तो आदि बद्री बांध से सिरमौर के इलाके में अब पानी आएगा। आदि बद्री में हरियाणा सरकार बांध बनाएगी तो हरियाणा और हिमाचल सरकार ने एएमयू साइन किया है, पानी की समस्या का अब समाधान हो पाएगा। तो बड़ी खबर, आदि बद्री में हरियाणा सरकार बांध बनाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा और हिमाचल सरकार ने एमओयू साइन किया है तो हरियाणा से अब हिमाचल को पानी मिलेगा। और आपको बता दें कि पानी की जो समस्या है उस समस्या का अब समाधान हो पाएगा, हरियाणा से हिमाचल को पानी मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस बात की जानकारी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, ये हरियाणा सरकार आदि बद्री स्थान पर एक बांध बनाने जा रही है और उस बांध के साथ का जो सीमांत इलाका है वो हिमाचल का पड़ता है। तो हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में एमओयू साइन हुआ है जी, कि उसका जो पानी हमारे हिमाचल में जो इकट्ठा होगा उसमें सिंचाई और पेयजल जो है हिमाचल को उसमें मिलने वाला है। जी जी, तो जिस तरीके से अभी ये पानी की समस्या है, अब इसका समाधान हो पाएगा जितेंद्र? जी हाँ, जो हमारा हरियाणा के साथ लगता है जो इलाके हैं वहाँ पर पानी और पेयजल की काफी समस्या है और यदि ये बांध बनता है तो इससे जो है ये सिरमौर के इलाकों को बहुत इसका लाभ होने वाला है। जी, तो अगर बांध बनता है क्या कुछ तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी उसके बाद? ये बांध, यदि ये बांध बनता है तो इससे एक तो जो हमारी ये पेयजल की और सिंचाई की समस्या हल होगी, इसके अलावा जो सड़कें और ये जो पुल जो वहाँ पर इससे ये प्रभावित होंगे उसका खर्चा भी हरियाणा सरकार ही वहन करेगी जी। तो उससे जो है हमको उसका भी लाभ मिलने वाला है और पर्यटन की दृष्टि से भी उसका जो है हमारे इलाके को फायदा होगा। लेकिन जितेंद्र, आप बता रहे हैं कि इलाके को जो है फायदा होने वाला है अगर बांध बनता है, लेकिन समतल अगर क्षेत्र की बात करें तो उससे ऊपरी एरिया में यानी पहाड़ों की ओर पानी कैसे पहुंच पाएगा? ये जो इलाका है ये हमारा समतल इलाका है, हरियाणा के साथ मिलते इलाका है, इसमें जो पहाड़ियां भी जो है ये शिवालिक पहाड़ियां हैं तो उसमें इस तरह की कोई समस्या पैदा होने वाली नहीं जी। चले जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर पर यमुनानगर से हमारे संवाददाता पवन शारदा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, हरियाणा से अब हिमाचल को पानी मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है? जी, ऐसा कि अभी पिछले दिनों जब सीएम साहब आए थे तो यहाँ पर डैम जो है आज बद्री में डैम बनाने की बात कही गई थी, तो अब मतलब हिमाचल से इनका समझौता हुआ है कि ऐसा कि पीने के लिए जो है पेयजल वो यहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा। जी, तो पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा बांध बनने के बाद? जी, ऐसा है कि जब बांध तैयार हो जाएगा तो पेयजल की जो समस्या है वो काफी ठीक हो जाएगी, तो उससे जो है कि हिमाचल वालों को भी पीने के लिए पानी दिया जा सकेगा। जी पवन, पीने के पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा आपने बताया दर्शकों को, लेकिन एक समस्या जो समतल इलाके हैं उससे ऊपरी क्षेत्रों पहाड़ों में पानी की समस्या, यानी पानी को पहुंचाया किस तरीके से जाएगा? जी, उसके लिए भी ऐसा है कि जो है रणनीति तैयार की जा रही है तो जल्द ही उससे भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी जी, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आदि बद्री बांध से सिरमौर के इलाकों में पानी पहुंचाया जाएगा, पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। आदि बद्री में हरियाणा सरकार अब बांध बनाएगी।